नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता रामपुर विवेक कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश रामपुर जिले की। रामपुर के ग्राम विकास अधिकारी के साथ जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने की मारपीट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक खबर सामने आ रही, जहां रामपुर में ग्राम विकास अधिकारी राजीव कुमार के साथ ब्लॉक कार्यालय में घुसकर जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम विकास अधिकारी को लात घूंसे और जूते से पीटा। इसके बाद उसको जमीन पर गिराकर दो बार उसके मुंह पर भी थूका। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य के बेटे समेत चार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए, साथ ही एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। थाना बिलासपुर क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला? राजीव कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा थाना बिलासपुर को एक तहरीर दी गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि वो आज ADO पंचायत कार्यालय में सरकारी काम कर रहे थे, तभी महू नागर के अफसान उस्मान खां और आलमगीर, जो थाना विलखानम में गांव पड़ता है मोहनागर, वहाँ से आए और आकर इन पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दबाव बनाने लगे, और ऐसा न करने पर राजीव कुमार के साथ इनके द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और बताया गया कि उनके सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए गए। इस संबंध में थाना बिलासपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस्मान खां को गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी, बाकी अभियुक्तों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।